हेलो फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा और मेरे किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ डिलीशियस सी रेसिपी जो आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बच्चे बूढ़े तो इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम गैस पर कुकर चढ़ाएंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें गेहूं का दलिया 1 बाउल। दलिये को गोल्डन ब्राउन होने तक हम रोस्ट करेंगे। दलिया रोस्ट हो गया है, इसे रोस्ट करने में 10 मिनट लगी है। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, तो 2 ग्लास हमने पानी डाला है। इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे और इस पर हम ढक्कन लगाकर कुक करेंगे 2 सीटी आने तक। कुकर में 2 सीटी आ गई है और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अभी हम इसका ढक्कन हटाएंगे, दलिये को थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल गुड़। जितना दलिया लिया है उतना ही हमें गुड़ लेना है। आप चाहो तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, पर मैं आज बना रही हूँ गुड़ वाला दलिया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सर्दियों में इसे बनाकर अगर हम इंजॉय करते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। गुड़ मेल्ट होने तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है तो अभी हम ऐड कर देंगे 1 गिलास के करीब दूध। दूध को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें कुक करना है, नहीं तो दलिया पैंदे में चिपक सकता है। और अभी हम ऐड करेंगे थोड़ी किशमिश, थोड़े काजू भी ऐड कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस दलिये को कंटिन्यू चलाते हुए हमें कुक करना है। गैस की फ्लेम लो मीडियम पे रहेगी। दलिया ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है। अभी हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी तो दलिये की जान है, इससे बहुत अच्छा टेस्टी दलिया बनता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दलिया बनकर तैयार हो गया है, गैस की फ्लेम हम कर देंगे बंद। और अभी हम सर्व करेंगे गरम गरम दलिया। दलिये को सर्विसिंग प्लेट में डालेंगे। और अभी हम डालेंगे दलिये पे थोड़ा देसी घी, साथ ही गार्निश कर देंगे थोड़े काजू से। टेस्टी सा दलिया हमारा बनकर तैयार है। तरीके से एक बार आप लोग भी बनाकर ट्राई कीजिएगा, सचमुच आपको बहुत पसंद आएगा। अभी आपका मीठा खाने को दिल करे तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।